जनपद की तीनों नदियों के जलस्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। घाघरा, सरयू, कुआनो और राप्ती नदी खतरे के निशान के नीचे आ चुकी है, लेकिन लगातार दो दिनों से हो रही बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में कुछ वृद्धि भी हुई है, लेकिन खतरे के निशान से नीचे ही सभी नदियां बह रही हैं। गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से करीब 23 सेंटीमीटर नीचे आ गई है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घट रहा है और लोगों की दिनचर्या समान होती नजर आ रही है। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री का वितरण भी किया जा रहा है। जिले में अभी भी 263 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और इन क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा नाव की व्यवस्था की गई है, जिसके संबंध में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि अभी तक बाढ़ से डूबकर मरने वालों की संख्या 4 ही है, जिन्हें शासन के निर्देश पर 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अगर किसी भी पशु की मौत बाढ़ से होती है तो उसे 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दिया जाएगा। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। मेडिकल टीम लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। पशु चिकित्सक भी पशुओं के इलाज में लगे हुए हैं। फिलहाल स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, ऐसा है, अभी सभी नदियां डाउनफॉल पे आ गई थी, सभी नदियां लगातार डाउनफॉल कर रही थी, लेकिन अभी घाघरा फिर से अपने डेंजर लेवल के पास आ गई है, क्योंकि इधर जो 2-3 दिनों से लगातार पूर्वी क्षेत्र में जो वर्षा हुई है उसकी वजह से थोड़ा सा नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। इसलिए एहतियातन तौर पर सभी तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है, सभी तटबंध यहाँ मॉनिटर किए जा रहे हैं और ख़ासतौर से जो शहरी क्षेत्रों से आच्छादित तटबंध हैं उसमें भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और अभी नदियाँ, लेकिन फिर भी नदियों में भी घटाव दर्ज किया जा रहा है, धीरे धीरे नदियाँ घट भी रही हैं। और अभी एहतियातन तौर पे जो नावें लगाई गई थी, तकरीबन 500 कुछ नावें मतलब जनपद में उस समय चल रही थी, लेकिन वर्तमान समय में 214 नावें चल रही हैं। जहाँ जहाँ भी नाव की आवश्यकता है वहाँ नाव उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अभी एहतियातन तौर पे जहाँ कहीं भी सुरक्षित आवागमन हेतु अभी नावें संचालित हैं, 214 नावें इस समय क्षेत्र में संचालित हो रही हैं। और आज कल तक जो हम लोगों ने राहत खाद्यान्न से सामग्री किट बांटी थी वो 98,642 किट थे। आज तकरीबन हमारे वहाँ 6,000 किट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है क्षेत्रों में। तो जहाँ कहीं भी किट की आवश्यकता है या राशन सामग्री की आवश्यकता है, जैसा भी तहसीलों द्वारा मांग किया जा रहा है, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार वो समुचित व्यवस्थाएँ वहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। पशु चारा इत्यादि का भी वितरण किया जा रहा है, यदि कहीं पर से कोई भी डिमांड आती है पशु चारे की तो वो भी उपलब्ध कराया जा रहा है। पानी चूंकि काफ़ी तेज़ी से रिसीट किया है तो कई क्षेत्रों में पानी हट गया है, तो वहाँ पर डीएम सर ने
जो पंचायती राज विभाग है और नगर निगम के क्षेत्र है उन सबों पे जगहों पे निर्देशित किया है कि वहाँ पे लगातार फॉगिंग और साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उसकी मॉनिटरिंग भी कंट्रोल रूम के माध्यम से की जा रही है। जहाँ कहीं भी सफाई टीम नहीं पहुँच रही है वहाँ पर तुरंत एक्शन भी लिया जा रहा है। कंट्रोल रूम लगातार संबंधित ग्राम प्रधान के साथ कोऑर्डिनेट किया हुआ है और सूचनाओं ली जा रही हैं और उसके अनुसार सभी जगहों पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। कितने गांव अभी बाढ़ से जो प्रभावित थे बाढ़वा खत्म हो गया करीब? देखिए जनपद में टोटल 398 गांव प्रभावित हुए थे, 398 का फिगर था, लेकिन आज वर्तमान समय में देखा जाए तो हमारे वहां जो है वो 267 जो ग्राम है, क्योंकि पानी तो काफ़ी जगहों से हट गया है मतलब नदी के क्षेत्रों से, लेकिन जहाँ जहाँ पर अभी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, यहाँ जहाँ अभी दलदल की स्थिति बनी है या आंशिक रूप से भी अगर वो प्रभावित है तो उसको भी अभी हम लोग उसी श्रेणी में रख रहे हैं और उसके पे लगातार वहाँ पे मॉनिटरिंग किया जा रहा है। और जहाँ अभी जो फसल जो क्षति हुई है तो फसल क्षति के आकलन के लिए भी डीएम सर ने एक कमेटी गठित कर दी है जिसमें एडीएम फाइनेंस साहब की अध्यक्षता में वो कमेटी गठित है और सभी जगहों पे फसल क्षति का भी आकलन किया जा रहा है। जहाँ पर फसल बीमा हुआ है वहाँ पर उनको भी मतलब बीमा कंपनी को भी निर्देशित किया गया है कि जो कुछ भी है वो आकलन फटाफट उसका करा लें और जो भी हमारे किसान भाई जो उससे प्रभावित हुए हैं उन्हें तत्काल राहत सहायता उपलब्ध कराई जाए। कुछ कच्चे मकान भी गिरने की सूचना मिली? हाँ, इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। कुछ जगहों पे आंशिक रूप से कुछ कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, कुछ जगहों पे झोपड़ियाँ नष्ट हुई हैं और जो इस तरीके की जहाँ कहीं भी इस तरह की घटनाएं हैं तो उसकी सूची तहसील स्तर से बनाई जा रही है और राज्य आपदा मोचक निधि के अंतर्गत उन्हें सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। तो ऐसे कहीं से भी अगर कोई ऐसा संज्ञान में आता है तो संबंधित क्षेत्र के लेखपाल उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, तो संबंधित क्षेत्र के लेखपाल को अगर यदि अवगत करा दिया जाए तो वो उसको फटाफट टैकल कर लेते हैं और उसकी रिपोर्ट बना करके तहसील के माध्यम से हम तक प्रेषित हो जाती है। तो अभी जो बाढ़ आया था इसमें कहीं पशुधन या जनधन हान की भी सूचना मिली थी? देखिए कुछ जगहों पे लोग डूब गए थे, मतलब जो लोग नहाने चले गए और पानी के किनारे लोग विचर रहे थे, ऐसे जो डूबने की जो घटनाएं घटित हुई हैं उनमें जिनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई और जो भी आपदा के अंतर्गत जो गाइडलाइन उसके अंतर्गत वो आते हैं तो ऐसे लोगों को भी सहायता, उनके जो परिजन हैं उनके जो वारिसान हैं उनको सहायता उपलब्ध कराई गई है। 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के उसे भुगतान किया गया है। तो अगर कोई इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं उसमें तकरीबन अभी तक हमारे वहाँ से 4 लोगों के पेमेंट्स यहाँ से निर्गत किए गए हैं, बाकी जैसे जैसे तहसीलों से उसका सत्यापन हो करके आ रहा है उसके अनुसार उसका भुगतान किया जा रहा है। पशुओं के लिए भी 30,000 रुपया दुधारू पशुओं के लिए है। अगर कहीं कोई दुधारू पशु की मृत्यु हुई है, चाहे वज्रपात से हुई हो, चाहे अतिवृष्टि के कारण हुई हो या अग्निकांड के कारण हुई हो, किसी भी आपदा के कारण अगर उनकी मृत्यु हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनका पशुपालन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है तो ऐसे में भी तहसीलों के माध्यम से जो रिपोर्ट प्राप्त होती है उसमें 30,000 रुपये दुधारू पशुओं के लिए और गैर दुधारू पशुओं के लिए 20,000 रुपये सहायता सरकार द्वारा अनुमन्य की गई है। पशुओं के लिए कुछ अग्निकांड से प्रभावित हुए थे क्योंकि पिछले 2-3 माह पहले की घटनाएं रही हैं तो उनकी कुछ रिपोर्टिंग आई थी तो वो उसी समय उसका पेमेंट कर दिया गया था। बाढ़ में अभी तक किसी तरह की ऐसी कोई सूचना प्राप्त अभी तक नहीं हुई है।